अभी देखो तुम लोग डाउट्स और कुछ पूछते नहीं हो, खाली तुम लोग को एक ही चीज बोलना आता है सॉरी, तो अब वो मैं सॉरी वॉरी सुनने वाला नहीं। तो अब जिस दिन मुझे लगेगा तुम्हें पढ़ाना चाहिए अच्छा तभी मैं पढ़ाऊंगा, तो वरना मैं काय मेहनत करूंगा। ये एक्चुअली इसमें परेड मेरा हो रहा है ना, तो हमारा परेड हो। चलिए सो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, फिर भी मैंने पढ़ाया उसकी कल वाले क्लास में भी, कितने एडसठ जी सब पढ़े ली। एक्चुअली मैं भी सुधरता नहीं हूँ ना, एक्चुअली वही मेरा प्रॉब्लम है। मैं मुझे सुधरने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, माने टू मेक जेजे सेंसियटाइज्ड इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। चलिए सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ओके ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय एक्चुअली कौन, हर्षे एंड चेस। तो इसलिए यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड व्हाट, वी हैड डिस्कस्ड द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके वी हैव डिस्कस्ड, तापरे वी हैव डिस्कस्ड द रिक्वायरमेंट्स। ओके तापरे वी हैव डिस्कस्ड द थियरी। ठीक है तो हमने थियोरी डिस्कस कर लिया, तो आज हम लोग डिस्कस एक्चुअली करेंगे क्या, द प्रोसीड्योर। सो टुडे वी विल डिस्कस द प्रोसीड्योर कि करना क्या है हम लोग को। तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो हम लोग आज करेंगे प्रोसीड्योर। तो इसीलिए द प्रोसीड्योर अगेन आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग, स्ट्रेट अवे आई विल टेक यू टू एनसीईआरटी योर फेवरेट। Now please see, because ये डायग्राम आपका श्योर शॉट आएगा बोर्ड एग्जाम में, you have to be ready for it. तो आप देख रहे हो, in case of NCERT, we have directly started from what? We have directly started. This is the most recent NCERT. ये सितंबर 2019 का NCERT है, इससे नया कोई NCERT अभी तक बना नहीं। ओके ये आज ही मैंने डाउनलोड किया। चलो सो नाउ तो लेट अस गो एंड डिस्कस दिस डायग्राम। तो आप देखिए सी व्हाट हैपेंस, नोबडी हैज टोल्ड यू दैट वा हाउ दे गॉट दिस, समझे कि नहीं। तो ये उनको कहां से मिला उन्होंने आपको नहीं बताया, समझ रहे हो। तो इसलिए लॉट ऑफ पीपल थिंक कि वो हम लोग, आई विल टेल यू, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे थिंक दैट जो हम लोग वायरस को जब S35 कल्चर में डालते हैं तो वो आपका उसका प्रोटीन कैप्सिड हो जाता है रेडियोएक्टिव, एंड जब आपका डीएनए को हम P32 में डालते हैं तो वो हो जाता है रेडियोएक्टिव। बट वो भूल जाते हैं दैट एक्चुअली वायरस जो है दैट डज नॉट ग्रो इन कल्चर, है कि नहीं। तो वायरस जो है वो नॉर्मल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करता, समझ रहे हो। सो दैट इज व्हाई, सो अब तुम लोग को समझ में आया कि नहीं हमने उसको कैसे बनाया। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यस सर। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास कि वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट S35 बैक्टीरिया एंड P32 बैक्टीरिया, फिर उसमें हम वायरस को इन्फेक्ट करेंगे, तब जाके आपको ये मिलेगा। बिकॉज वायरसेस डू नॉट डेवलप इन कल्चर, राइट। सो नॉर्मल कल्चर में वायरसेस डेवलप नहीं करता है। चलिए तो ये आपका हो गया, सो दीज आर दी टू लाइंस। तो इसलिए हम लोग उसको पहले से ही डिस्टिंग्विश लाइंस पे काम करेंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका S35 लाइन है, फाइन। सो दिस इज द S35 लाइन, फाइन बैक्स, एंड ये आपका जो है आपका P32 लाइन, फाइन, एंड दीज आर द स्टेप्स। तो ये आपका स्टेप्स है, ठीक है जी। तो अब इस स्टेप्स में आप क्या देख रहे हो, तो ये प्रोसीड्योर है एक्चुअली। सो दिस इज द प्रोसीड्योर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो प्रोसीड्योर ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करेंगे,
स्टेप वन हम लोग इन्फेक्ट करेंगे. तो इन्फेक्शन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शन एक्चुअली, तो मैं यही लिख देता हूं. ओके बाय, यू विल गेट बीटिंग. सो इन्फेक्शन का मतलब क्या है, इन्फेक्टिंग द क्या, इन्फेक्टिंग द T2 फेजेस, फेजेस इन क्या नॉर्मल इकोलाई. ये याद रखेंगे, अब नहीं चेंज करना इकोलाई. क्यों बोलो, व्हाई वी विल यूज नॉर्मल इकोलाई, बोलो. डिस्टिंग्विश करियो बाय द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अदरवाइज तो बैक्टीरिया का भी तो जो डीएनए होगा उसमें भी तो S35 होगा ना. तो जो पहले हमने बैक्टीरिया लिया था उसमें भी S35 होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो वायरस का S35 है या बैक्टीरिया का S35 है. बैक्टीरिया का है, तो इसीलिए हम लोगों ने अब करेंगे विद इन नॉर्मल इकोलाई. नॉर्मल इकोलाई का मतलब क्या है, S32 एंड P30. ठीक है, तो S32 लेना है, P30 मीडियम लेना है. अंडरस्टूड. तो ये आपका स्टेप वन है. प्लस अलाउ टू सेटल, अलाउ टू सेटल फॉर सम टाइम एंड लेट इट इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल. हमको मालूम नहीं है जेनेटिक मटेरियल, बहुत लोग लिखते हैं लेट इट एंटर इट्स डीएनए. अबे तेरे को किसने बोला वो डीएनए अंदर डालेगा, बिकॉज दैट वॉज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. हु टोल्ड यू दैट इट इज गोइंग टू पुट द डीएनए, समझ रहे हो. तो इसलिए आपको ये सोच समझ के लिखना है. सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अलाउ इट टू सेटल फॉर सम टाइम एंड लेट इट इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटीरियल. तो जो भी उसका जेनेटिक मटीरियल है वो उसको इंसर्ट कर दे. ठीक है, सो ये आपका जो कंसेप्ट है. तो इसलिए कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, आप इस एसोसिएशन को शेक करेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लेंडिंग. तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, ब्लेंड दे यूज वेरिंग्स ब्लेंडर. ओके, वेरिंग्स ब्लेंडर, वेरिंग एक कंपनी जैसे हमारा है फिलिप्स ब्लेंडर. ओके, लाइक सपोज आपके पास है मॉर्फी रिचर्ड्स ब्लेंडर, उषा ब्लेंडर, तो इसने कौन सा ब्लेंडर यूज किया, वेरिंग्स ब्लेंडर. ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो और सबको अलग अलग कर दो. तो यूज वेरिंग्स ब्लेंडर टू सेपरेट द एसोसिएशन ऑफ फेज एंड बैक्टीरिया ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो आप जानते हो जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका टेंजेंशियल मूवमेंट होगा, है कि नहीं, द कंपोनेंट विल बी थ्रोन टेंजेंशियली आउटवर्ड्स. ओके, तो आपको इस तरह से ही लिखना है इवन इन एग्जाम. ये आपका गारंटेड बोर्ड क्वेश्चंस में है. आई थिंक आई हैव सेंड यू अ बोर्ड क्वेश्चन टुडे, हैव यू सीन इट, दैट इज ऑफिशियल 2020 पैटर्न ऑफ एग्जाम. ये तुम्हारा ही एक पैटर्न ऑफ एग्जाम है, तो उसको एक बार देख लेना. बिकॉज़ अभी आपका जो हाफ ईयरली है, आई डोंट नो, आई विल क्रॉस चेक दैट एक्चुअली हाफ ईयरली इस पैटर्न में होगा कि नहीं, बट ये मेरे को मोस्ट रिसेंट मॉडल टेस्ट पेपर मिला है. तो इसलिए साहब उसको क्वेश्चन देख लेंगे, जो डाउट है पूछ लेंगे. चलिए, तो ये आपका वायरिंग स्प्लेंडर में हमने ब्लेंड कर दिया. तो जब ब्लेंड कर दिया, आप जानते हो फेजेस आर हैवी एंड वायरसेस आर लाइटर. तो इधर देखो, इन्होंने रेड वायरसेस इंडिकेट किया. तो व्हाट डज रेड येलो वायरसेस इंडिकेट, तो येलो वायरसेस क्या इंडिकेट करता है, ये आपका रेडियो एक्टिव है. समझ रहे, तो दिस इज द प्रोटीनेशियस कैप्सिड एंड ये रेड डीएनए है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये रेडियो एक्टिव डीएनए. ठीक है, तो आफ्टर ब्लेंडिंग, अब थर्ड स्टेप उन्होंने क्या किया,
सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ओके। नाउ अब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या है, इन मल्टीपल्स ऑफ जी हम उसको रोटेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भारी चीज बैठ जाएगा एंड जो हल्का चीज वो तैरेगा, ओके। नाउ अब उस पर लिखा जाए, सो देन ईच ऑफ दीज कल्चर्स वर सेंट्रीफ्यूज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ जी, जी आपका जो कॉन्स्टेंट है, इन मल्टीपल्स ऑफ जी, ठीक है। सो देन ईच ऑफ दीज कल्चर्स आर सेंट्रीफ्यूज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ जी टू क्या सेटल द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो वो उसको बिठा देंगे। तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ तो यहाँ वो इतना क्लियर नहीं है, तो ये आपका मैं इधर सेव कर दूंगा, ओके, सो दैट आई कैन गिव इट टू यू। देन वी विल गो ऑब्जर्वेशन, हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो यहाँ प्रोसीड्योर, ओके, तो प्रोसीड्योर चेक अदर स्लाइड, ठीक है, नहीं तो वो हम लोग ने प्रोसीड्योर किया, उसको उसमें देख लेना। तो अब हम लोग अब ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली उन्होंने ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं बनाया है, तो अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, सो नाउ वी विल गो फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वी विल मेक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, ठीक है। सो जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होता है वो एक्चुअली पॉइंटेड होता है, ओके, इट इज पॉइंटेड, तो लाइक दिस, फाइन, ये आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स है, इट इज नॉट लाइक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब्स, फाइन। उसी तरह से हम यहां भी बनाएंगे, फाइन, सो ये आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स है, सपोज कुछ इस तरह से आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बनेगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सो अब वी विल मेक द रिम, आ गया मजा, चलिए। तो आप आज आपने न्यूज सुना कि नहीं, जो एक स्टूडेंट ने आपने जो टीचर के साथ वही किया जो अभिषेक ने मेरे साथ किया, तो आप देखे थे, वो आज आ रहा था, तो उन्होंने उसका जो मैडम है उसका जब वो तो जब पढ़ा रहे होते मैडम कभी कभी थोड़ा सा ड्रेस इधर उधर हो जाता है कि नहीं, तो उस समय उसने उसे जो बाड़े ही चुनती, नहीं नहीं बाड़े ना थी, तो वो जो मैडम जब पढ़ा रही थी क्लास में, तो जिस कुछ समय उनका थोड़ा साड़ी इधर उधर हुआ एंड कुछ अच्छा विजुअल्स उसको मिला, तो उसने उस स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको थोड़ा फोटोशॉप में एडिट करके मैडम का फोन नंबर देख के वायरल कर दिया, समझ रहे हो, एंड फिर बहुत एंड लिखा कुछ इधर उधर कि शी इज अवेलेबल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर धड़ाधड़ मैडम के बारे में फोन आया लोगों का, तो मैडम को समझना है ये क्या हो गया, तो समझ रहे हो, तो देखो कि कितना चीज ये सब हार्मफुल होता है आजकल के दिन में, बट आप लोग समझते नहीं है। चलिए, सो तो उस पे वो पकड़ा गया लड़का, देखिए नहीं अभी जाएगा अंदर, बिकॉज आजकल जमाना अच्छा से नहीं लेता ना हर चीज को, ऑलवेज डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, चलिए। सो ये आप समझ गए, तो इसीलिए ये आपका जो कंसेप्ट है, तो नाउ इधर अब जब हम लोग इसको सेटल करेंगे तो क्या होगा, एक क्लियर प्रेसिपिटेट बनेगा, फाइन, तो ये सपोज एक सुपरनेटेंट है, फाइन, एक क्लीन सुपरनेटेंट बनता है, ठीक है, एक क्लीन सुपरनेटेंट बनेगा जो कि
आपका ऊपर रहेगा, फाइन, दिस इज द सॉल्यूशन एक्चुअली, एंड फिर आपका जो पैलेट बनेगा, तो ये भी एक्चुअली ऐसे तिरछा ही बनेगा, ऑलवेज रिमेम्बर, फाइन, सो दिस इज ऑल्सो तिरछा, ये जो लाइन है ना ये ऐसे तिरछा बनता है, ये कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, तो ये ऐसे तिरछा बनेगा क्योंकि वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में घूमता है ना, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, एंड जो डार्क पैलेट बनेगा, सपोज हम लोग इसमें एक डार्क नहीं करके एक अलग कलर का पैलेट बनाते हैं, ठीक है, तो सपोज ये आपका पैलेट है, राइट, सो दिस इज द पैलेट, फाइन, फाइन, सो दिस इज द पैलेट, फाइन, तो आप इन द पैलेट आपको क्या मिलेगा, तो यू नो दैट द फेजेस आर हेवियर, इकोलाई, इकोलाई, तो आपको इकोलाई मिलेंगे इसमें, बहुत सारे इकोलाई आपको मिलेंगे, फाइन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इकोलाई, फाइन, सो दीज आर द इकोलाई, एंड सपोज हम लोग इस तरह से फेजेस बनाए, वी विल यूज डिफरेंट कलर्स एक्चुअली, तो सपोज ये इकोलाई है, नाउ इस इकोलाई में ये S35 कल्चर है एंड ये P32 कल्चर है, तो S35 कल्चर में क्या बनाएंगे हम लोग, नॉर्मल डीएनए बनाएंगे, फाइन, तो S35 कल्चर में हम लोग नॉर्मल डीएनए बनाएंगे, ओके, सपोज दिस इज द डीएनए वी विल शो, ये नॉर्मल डीएनए है, एंड इन P32 कल्चर हम लोग रेडियोएक्टिव डीएनए बनाएंगे, ठीक है जी, सो दिस इज द रेडियोएक्टिव वायरल डीएनए, नाउ एक और चीज, ओके, सो नाउ इधर आप क्या पाएंगे, तो यहाँ आप वायरसेस पाएंगे, सो दीज आर द रेडियोएक्टिव फेजेस, सपोज मैं कुछ इस तरह से बनाऊ डायग्राम, ओके, जस्ट इन द सेक ऑफ मेकिंग, सो दीज आर द वायरसेस, छोटा बनाते हैं एक्चुअली बिकॉज वायरसेस छोटा दिखना चाहिए, सो दीज आर द वायरसेस, फाइन, तो ये आपके वायरसेस हैं, एंड इधर भी उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत सॉरी ये हम लोग नॉर्मल वायरसेस बनाएंगे, ब्लैक वायरसेस, तो ब्लैक सिग्निफाइज नॉन रेडियोएक्टिव एंड रेड सिग्निफाइज रेडियोएक्टिव, फाइन, तो इसलिए इधर हम लोग क्या लिखेंगे, सो दिस इज योर दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ओके, तो इसलिए यहां हम लोग लिखेंगे, तो ये कौन सा कल्चर है, दिस इज S35 कल्चर है कि नहीं, एंड ये कौन सा है, ये P32 कल्चर, सो दीज आर द, यू हैव टू मेंटेन द ट्रैक, जिस तरफ आप S35 लियो उसी तरफ S35 लेना है, एंड सो ऑन, तो आप कंक्लूजन क्या है, सो दिस इज व्हाट, रेडियो एक्टिव, क्या, सो दिस इज रेडियो एक्टिव सुपर, देख लु बाबा संदीप सब पाठ सरला किंतु पाठ आसु नहीं, अंडरस्टूड, तो देख लो कि जेजेस एंड नॉन जेजेस में फर्क है, तो दिस इज रेडियोएक्टिव सुपरनेटेंट, सो द कैप्सिड्स नेवर एंटर्ड इनटू द इकोलाई, ओके, तो अगर आप इकोलाई में घुसोगे ही नहीं, सो द प्रोटीन cannot be the genetic
मटेरियल भाई, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको तो घुसना पड़ेगा ना नीचे, है कि नहीं? सो लाइक दिस, ओके, सो ये आपका कंसेप्ट है, हाँ, नाइन, फाइन, सो ये आपका कंसेप्ट है, बट इधर आप क्या लिखेंगे? नॉन रेडियोएक्टिव सुपरनेटल, यस, तो ये है नॉन रेडियोएक्टिव, नॉन, ओके, सो ये नॉन रेडियोएक्टिव सुपरनेटल है, ये उधर उसका डिस्कशन नहीं होगा. नाउ उसके बाद यहां हम लोग क्या लिखेंगे? सो रेडियोएक्टिव पैलेट, ओके, रेडियोएक्टिव पैलेट, सो ये P32 कल्चर है, सो द रेडियोएक्टिव डीएनए एंटर into the E. coli. So, it is the DNA. It is the DNA which is actually the genetic material. ठीक है? तो समझ रहे हो? तो it is actually the genetic material. समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर मिलना चाहिए? इकोलाई के अंदर. तो ये देवांश को मना करो ज्वाइन करने के लिए, इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग मी, क्योंकि उसका ज्वाइन हो नहीं रहा, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है. चलिए, सो तो इसलिए जो आपका जो रेडियोएक्टिव पैलेट है, तो सो द रेडियोएक्टिव डीएनए, सो द रेडियोएक्टिव डीएनए एंटर्ड इनटू द इकोलाई. Hence, इसको हम लोग हैंस लिख सकते हैं थोड़ा और प्यूरिफाई करने के लिए. Hence, it is the DNA which is actually the genetic material. Okay? या और थोड़ा फैला सकते हैं रायता, क्या जरूरत नहीं है, क्या जरूरत तुम लोग को, तो इतना चाहिए बस, हो गया. चलिए, तो इसलिए इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे. तो देख रहे हो, आई एम मेंटेनिंग एवरी पॉइंट ऑफ सिंसियरिटी व्हेन आई एम डूइंग द थिंग्स. आई कैन यूज वन कलर. मैं क्यों इसे क्रीज क्रॉस कलरिंग कर रहा हूँ? बिकॉज वो आपका समझने में मदद करता है, बट वो सीरियसनेस अगर आप में नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, बताइए. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो दिस इज नॉन रेडियोएक्टिव पैलेट, ओके, सो सिंपली आपका टेस्ट. सो नॉन रेडियोएक्टिव पैलेट, ओके, सो ये आपका कंक्लूजन है. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, हमें ये दिखा, क्योंकि जब हमने इसको तो अगर रेडियोग्राफी है तो व्हाट वी कैन डू, ओके, द टेस्ट ट्यूब्स कैन बी पुट इन क्या, इन डार्क रूम विथ photographic film wrap to it, है कि नहीं? तो ये आप दो चीज कर सकते हो, ओके, तो आप इसको चेक कैसे करोगे? तो उसमें नंबर ए, तो दिस ट्यूब्स, दिस टेस्ट ट्यूब्स, दिस टेस्ट ट्यूब नहीं, सेंट्रीफ्यूज, ओके, दिस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स कैन बी पुट इन डार्क रूम with photographic film wrapped on it, okay, wrapped to it. So क्या होगा? Okay, the radioactivity will expose, the radioactivity will expose the film. समझ रहे हो? तो आपका जो radiations निकलेगा उसमें से, वो आपका film को expose कर देगा. तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर एक्सपोज हो रहा है या नीचे एक्सपोज हो रहा है. तो जहां एक्सपोज होगा वो लाइटर कलर का हो जाएगा, जहां एक्सपोज नहीं होगा वो डार्कर कलर का रहेगा. सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ओके, ये ऑटो रेडियोग्राफी कहलाता है. नाउ स्टेप बी, एक और वे से आप देख सकते हो, इन यूवी लाइट the
का the radioactivity, the radioactivity can be seen. Okay, तो वो आपका एक color produce करेगा, ठीक है? So if you put it in UV light, you can see a particular color, एक light सा आता हुआ आपको दिखेगा. So that is why these are the two different ways जिससे आप observe कर सकते हो. तो स्कूल में लिखते समय ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है. तो दिस पार्ट यू डोंट नीड टू राइट बिकॉज वो उसको वो तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते आपसे. बट आप अदर चीज सारा लिखेंगे, ठीक है जी. सो नाउ देन कंक्लूजन लिखना पड़ेगा. देन व्हाट इज कंक्लूजन? तो हर्षे, ओके, हर्षे एंड चेजेस कंक्लूजन. ओके, तो हर्षे एंड चेजेस कंक्लूजन, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया भैया? सो अकॉर्डिंग टू देम इट इज द डीएनए ऑफ द फेजेस दैट एंटर इनटू द ई कोलाई एंड सो will be responsible for the phage life cycle. वाह, lytic cycle हो, lysogenic cycle हो, वही responsible है. So we can say beyond any doubt that DNA is the genetic material of these viruses. तो आप इसका कह सकते हो, बाकी का है कि नहीं पता है. Okay? So DNA, so we can say beyond any doubt. The लोग क्या कहते हैं, इससे साबित हो गया कि सब में DNA होता है भाई, ऐसा थोड़ी है. तो आप जिस दिन don't generalize things. Okay? तो जेजेस इज ए टीचर, ही इज ए गुड टीचर, सो ऑल टीचर्स आर गुड टीचर्स. सो कैन वी जनरलाइज लाइक दिस? नो सर, मैं नॉट. तो इसके लिए वही चीज यहाँ हो गया है. तो आपने भी यह इकोलाई एंड फेजेस के केस में काम किया है, तो बस उतना ही बात करो. ओके, सो वी कैन से बियॉन्ड एनी डाउट दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दीज फेजेस. क्यों? As there is no third compound in these viruses. Okay, now since protein को आपने कैसे disregard कर दिया? Since proteins never entered into the phages, could not control the viral replication. Okay, so ये आपका एक एक्सपायर. आप प्रोटीन्स के अगर आप पूछे तो आप बोलेंगे कि क्या, जब आप अंदर गए ही नहीं तो क्या होगा? Okay, so like that. आज जैसे कल जी टीवी ने सुशांत और उसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो कहीं से उठा लिया जिसमें रिया स्मोक करती हुई साफ दिख रही है. एंड वो मिजरेबल लुक्स ऑफ सुशांत वो सब दिख रहा है कि वो ड्रग्ड है एंड वो उसको पिला रही है या एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आज व्हाट दे आर क्लेमिंग कि सिंस हमने वो फोटो दिखाया एनसीबी जो कोर्ट ने